ಅದನ್ನು ಬಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ. और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपको टू व्हीलर में नहीं घूमना है और आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही घूमना है क्योंकि आपको थ्रेट है. तो मैं कमिश्नर जी को आज मेल लिखने वाला हूँ, पत्र लिखने वाला हूँ एवं हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को और तेलंगाना के होम मिनिस्टर एवं मुख्यमंत्री को आज लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे किससे जान से खतरा है. क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन से या व्यक्तिगत, आखिर मुझे मारने का कौन प्रयत्न कर रहा है. तो आज मैं लिखित रूप में उनसे पूछने वाला हूँ. वैसे तो कई वर्षों से कोई ना कोई एक संगठन मुझे टारगेट में रखा है और कई बार ISI एजेंट टारगेट में रखे थे जो अरेस्ट भी हुए और एक विखारुद्दीन नामक एक टेररिस्ट था उसने भी मुझे टारगेट में रखा था. सो तेलंगाना पुलिस ने उसको वो समय पर भी इनकाउंटर किया था. सो आज अचानक इस प्रकार से लेटर भेजना और दिल्ली में एक ISI एजेंट पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे उससे ही लिंक लगता है कि ऐसे कई हिंदूवादी नेताओं को या BJP के कुछ नेताओं को उन्होंने टारगेट किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ. तो मैं कमिश्नर जी से एवं होम मिनिस्टर जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैं लिखित में आपको दूंगा कि आखिर मुझे किससे थ्रेट है वो आपको बताने की आवश्यकता है. साथ ही साथ मैंने एक दो साल पहले भी आपको गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया था. सो वो गन लाइसेंस भी आपने नहीं दिया, आपके टेबल में आपने रख लिया है हमारे सिटी कमिश्नर जी ने. तो तुरंत मुझे गन लाइसेंस देने के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जान को किससे खतरा है वो भी अगर आप लिखित रूप में नहीं देते परवाह नहीं, कम से कम हमें बुलाकर ऑफिस में बुलाकर बताइए कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों से खतरा है तो हम भी हमारी सिक्योरिटी किस प्रकार से हमें करना है हम भी वो प्लान कर सकते हैं. क्योंकि तेलंगाना सरकार की जो सिक्योरिटी है वो किस प्रकार से है मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है. तो मेरी जान को मुझे बचाना है, मेरे कार्यकर्ताओं को या मेरे परिवार को मुझे ही बचाना है तो उस विषय में भी मैं प्लान कर सकता हूँ. तो अगर आप मुझे बताते हैं कि मुझे किससे खतरा है तो मैं मेरी सेफ्टी भी कर सकता हूँ.